मुजफ्फरनगर के फुगाना थाना क्षेत्र के गांव करौदा महाजन में 10 साल पहले पानी के विवाद को लेकर हुए खूनी संघर्ष में सतेंद्र की हत्या करने व एक अन्य को पीटकर अधमरा कर देने के मामले में 4 आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। अभियोजन के अनुसार गत जून 2014 को थाना फुगाना इलाके के गांव करौदा महाजन में हमला कर गोली मार कर सतेंद्र की हत्या व एक को घायल करने के मामले में आरोपी हंसराज, अमित, बिपिन व कपिल को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है और 25,000 रुपए का जुर्माना किया है। इस मामले की सुनवाई एडीजे 15 दिव्या भार्गव की कोर्ट में हुई। अभियोजन की ओर से एडीजीसी परविंदर कुमार व कमलकांत ने पैरवी की। डबल मर्डर के मामले में कोई सजा क्या मामला था? आज जनपद मुजफ्फरनगर में एडीजे कोर्ट नंबर 15 पीठासीन अधिकारी दिव्या भार्गव द्वारा डबल मर्डर में 4 मुलजिमान आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। मुकदमावादी इंदर सिंह द्वारा थाना फुगाना पर 2014 की घटना है, उसके संबंध में मुकदमा दर्ज कराया गया था। उसमें अभियुक्त हंसराज, अमित, कपिल, विपिन फुगाना प्रत्येक को आजीवन कारावास में 10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। इसमें अभियोजन द्वारा 13 गवाह परीक्षित कराए गए और सभी तथ्यों के आधार पर इनको यह सजा सुनाई गई है। मौके पर जो राजीव नाम का बदमाश था वो मौके पर मारा गया था। काफ़ी परिचित बदमाश था वो और उसने बदन सिंह बद्दों के बड़े बदमाश के माफिया की सुपारी ली हुई थी। मौके पर ही पब्लिक द्वारा मर गया था। हर न्यूज अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें रॉयल बुलेटिन का व्हाट्सएप ग्रुप और पाएं हर खबर सबसे पहले अपने व्हाट्सएप पर। अपने आसपास की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन और इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।